नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि UPSC ने NDA 1 2021 का रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिया, रिटर्न एग्जामिनेशन का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो हाईली डेडिकेटेड थे उन्होंने रिटर्न एग्जामिनेशन को क्लियर किया विद वेरी गुड स्कोर। स्कोर तो अभी आउट नहीं किया है, बट एक बच्चे को आइडिया रहता है कि उसने कितना स्कोर किया है बाय चेकिंग आउट दी आंसर कीज। तो मेरे भी और मेरी टीम के सपोर्ट की वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। कुछ स्क्रीनशॉट, कुछ नहीं वैसे तो ये बहुत सारे हैं, मैं आपको अभी स्क्रॉल करके दिखाऊंगा। इवन आई विल पुट दी गूगल ड्राइव लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल, आप जाके वहां से भी चेकआउट कर सकेंगे, मैं अपलोड कर दूंगा। या टेलीग्राम चैनल के ऊपर ऑलरेडी वैसे तो मैं डाल दिया, तो टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। गूगल ड्राइव पे डालने में टाइम लग जाएगा क्योंकि काफ़ी हैवी फाइल है। टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैंने पब्लिश कर दिया है ये सारा, ठीक है। सो एक बार क्विकली आप देख लीजिएगा सारा रिजल्ट, ठीक है। इसके अंदर ऑफलाइन वाले भी दिख जाएंगे आपको, ऑनलाइन वाले भी दिख जाएंगे, यूट्यूब वाले, प्लस वाले, ठीक है। अब जैसे ये ऋतिक है, ये 1 मंथ क्रैश कोर्स का था, अब इसका दिखा। ऊपर मेरे ख्याल पार्थ था, पार्थ ये सुपर 34 मंथ कोर्स का है। इसके नीचे आएगा अंकित है, अंकित भी सुपर 34 मंथ कोर्स है। मतलब सारे हैं, प्लस भी है, यूट्यूब भी है, और अपना स्पेशल क्लासेस भी है, और अपना ऑफलाइन भी है, सारे रिजल्ट मिक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनकी मैं पूरी गारंटी नहीं ले सकता कि उन्होंने सिर्फ हमारी टीम से ही पढ़ा, क्योंकि यूट्यूब पे बच्चा जो होता है वो वेरियस सोर्सेज से करता है। अगर आपने चेक किया हो तो मैंने कल जो वीडियो अपलोड करी थी रिजल्ट के टाइम पे, जो वीडियो ली थी परसों, सॉरी, तो उसमें भी कॉल करके जब बच्चा पूछ रहा था कि सर मैं YouTube से पढ़ता था, तो आई आज दिन कि भाई कितने YouTube चैनल से पढ़ता था, सबका नाम ले दे, सबका फायदा हो जाएगा बच्चों का। तो कई बच्चों ने बोला नाम, कई ने बोला नहीं सर हम सिर्फ टीम अर्पित से पढ़ते थे। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि YouTube वाले की हम लोग फुल गारंटी नहीं ले सकते। हाँ, प्लस पे तो बच्चा अगर पढ़ा है तो वो अनअकैडमी का पार्ट कहलाता है, एंड ऑफलाइन पढ़ा है वो तो पूरा टीम अर्पित का ही, ठीक है। सो चैतन्य श्री फ्रॉम मेरठ, 1 मंथ क्रैश कोर्स अगेन। तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लियर किया, आप चेक कर लेना। मतलब मेन मोटिव मेरा ये नहीं है, ये अंकित सुपर 30 आ गया, मेरा मेन मोटिव ये नहीं है भाई। मैं आपको आप बता देता हूँ मेरा मेन मोटिव क्या है आपको बताने का, ये रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट देखने के बाद बहुत सारे बच्चे तो मोटिवेट भी हुए हैं, और उनसे डबल नंबर बच्चे डीमोटिवेट भी हो गए, सर मेरा नहीं निकला। देख बच्चे, डीमोटिवेट तुझे तो नहीं होना, अब तेरे पास दो रास्ते हैं, ठीक है। एक रास्ता है जो फेलियर की तरफ जाता है, जो रोंदू लोगों का काम है। क्या है वो रोंदू लोगों का काम? वो ये काम है कि हम लोग ये सोचकर रोते रहें एक महीना कि मेरा, मैंने मेहनत की थी, मेरा पेपर नहीं निकला। दूसरे बच्चे हैं, दूसरा ऑप्शन, और दूसरे बच्चे जो ये सोचेंगे कि ये सोच के खुश होना है, ये सोच के स्माइल करना है कि मेरे पास एक और अटेम्प्ट पड़ा है जिसके लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, और मैं नवंबर में आने वाले 14 नवंबर को पेपर को बहुत बढ़िया ढंग से अटेम्प्ट करूंगा, रिटर्न क्लियर करूंगा, SSB क्लियर करूंगा और NDA ज्वाइन करूंगा, ठीक है। या फिर जो बच्चों के पास लास्ट अटेम्प्ट था उनके पास एकदम दिमाग में चमकना चाहिए CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज और FCAT। एक हफ्ते के अंदर न्यूट्रल हो जाओ, जो करना है करो, उसके बाद CDS या FCAT की तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। किताबें मार्केट में बहुत अवेलेबल है, YouTube चैनल, प्लस कोर्सेज, पेड कोर्सेज, दुनिया जान के बने हुए हैं। किसी भी अच्छे टीचर को पकड़ लो, स्टार्ट कर दो उसके साथ, ठीक है। सो चॉइस इज योर्स भाई, कि तुझे ये पछतावा करके रोना है कि तेरा पेपर नहीं क्लियर हुआ, या ये सोच के हंसना है कि तेरे पास एक और अटेम्प्ट है या CDS है, ठीक है। ऐसे माइंड को अपने ट्रेन करो कि आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजें नजर आए, कोई बात नहीं यार, पेपर नहीं क्लियर हुआ, नहीं मेहनत कर पाए थे, नहीं टाइम था, कोविड का टाइम था, या मजबूरी थी, या मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था, या कुछ भी, या पेरेंट थे, माहौल टाइट था, पेपर नहीं देने जा पाए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट है, यू ऑलवेज हैव अ नेक्स्ट अटेम्प्ट माय फ्रेंड। अभी आपकी उम्र ही क्या है जो हार मान लोगे आप? मैं देख रहा हूं लोग इंस्टाग्राम के ऊपर इतने थके हारे नीचे कमेंट कर रहे हैं पोस्ट के ऊपर, मतलब बड़े बड़े इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर नीचे लिख रहे हैं सर मैं बड़ा उदास हो गया हूं, मैं ये हो गया हूं, मैं भाई किस लिए उदास हो गया यार, क्या हो गया ऐसा? हाथ पैर तेरे सलामत है, माँ बाप तेरे पास है, पेरेंट्स का सपोर्ट तेरे पास है, दिमाग तेरे पास अच्छे हैं, टीचर्स की कमी देश के अंदर, अच्छे टीचर्स हैं, कमी नहीं है, ठीक है। किसी को भी पकड़ भाई, तैयारी कर, पेपर क्लियर कर,
जिस पाथ पे तुझे चलना है पहले उस पाथ की प्रैक्टिस तो कर लेना अच्छे ढंग से। जब तक प्रैक्टिस ही नहीं सही होगी तो तू पाथ पे कैसे चल पाएगा उस पे? इसमें तो कांटे हैं रास्ते पे भाई, तभी तो बहुत कम लोग चल पाते हैं, मुश्किलें तो है ना। और हार जीत तो जिंदगी का पार्ट है दोस्त, अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में रहेंगे। अगर अप डाउन वाला ग्राफ नहीं होगा, ECG देखी है ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, साइन कर्व देखा है ना, कॉस कर्व देखा है ना, अप डाउन चलता रहेगा दोस्त। इसी का नाम, चलती का नाम तो जिंदगी है। हारने की कौन सी बात है इसके अंदर यार, नहीं निकला पेपर कोई बात नहीं, जिनका निकल गया उनको मुबारक देना यार, और उनसे पूछ कि भाई तुमने ऐसा क्या किया, और एनालाइज कर कि मैंने ऐसा क्या गलत किया जिसकी वजह से पेपर नहीं क्लियर हुआ। सीधी बात, इफ यू वॉन्ट, मैं अपने स्टूडेंट्स को या कुछ जो टॉपर्स हैं जिनको मुझे बहुत अच्छा स्कोर जिन्होंने किया, मैं जूम पे ले आऊंगा उनको, ऑफलाइन वाले भी, प्लस वाले भी, यूट्यूब वाले भी, तीन डिफरेंट सेक्शंस हम लोग कर लेते हैं। बोलो तो सही पर मुझे कि सर ऐसा करो कि जो जिन्होंने प्लस से निकाला उनका एक अलग ले लो, जिन्होंने यूट्यूब से निकाला उनका अलग ले लो, जिन्होंने ऑफलाइन से निकाला उनका अलग ले लो इंटरव्यू, और हम देखते हैं हम किस में फिट बैठ सकते हैं। भैया तुम सब में फिट बैठ जाओगे, यूट्यूब पे भी बैठ जाओगे, प्लस में भी बैठ जाओगे, और ऑफलाइन में भी बैठ जाओगे। मैं आपको स्टार्टिंग में पहले ही बता देता हूँ, चाहिए क्या? मेहनत चाहिए बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। एक करने की चाह, मेहनत, ऊपर वाले का सपोर्ट, यू कैन डू वंडर्स माई फ्रेंड। तो उदास मत हो, मैं तुझे बोल रहा हूँ उदास मत हो, अगर तू मुझे कुछ समझता है तो, मानता है तो, ठीक है, उदास मत हो। यू हैव अनदर अटेम्प्ट एंड दिस टाइम यू विल डेफिनेटली मेक इट, ठीक है। मोटिवेशन चाहिए, इन सब के चैट्स, टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक करियो, इनकी चैट पढ़, जितने भी पेज है सारे देख ले। ये पार्ट वन है, अभी पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, ऐसे मेरे ख्याल 3-4 पार्ट और बनेंगे, ठीक है, 4 पार्ट शायद और हैं इसके साथ के, तो वो भी बनाऊंगा, ठीक है। ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लेके, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब इन सब का इंटरव्यू लेना तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, ठीक है, यूट्यूब चैनल पूरा भर जाएगा, बट मैं ग्रुप के अंदर ज़रूर ले सकता हूँ, जितने ज़्यादा वॉलंटियर करेंगे बच्चे। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं जो हेजिटेंट होते हैं कि यूट्यूब के ऊपर आने से, ठीक है। कोशिश करूंगा मैक्सिमम अच्छे स्टूडेंट्स को लेके आऊं, उनकी बातें भी आपको सुनाऊं, उनकी बातें सुन के भी आप मोटिवेट हो जाएं। कईयों का तो लास्ट अटेम्प्ट में निकला है पेपर, तो घबराने की कोई बात नहीं है, और टॉपर्स का कोई सीक्रेट नहीं होता, बस टॉपर जो आता है बच्चा और जो फेल होता है उसमें यही फ़र्क होता है, मेहनत का बस। किताबें वही हैं, टीचर्स वही हैं, सब कुछ सेम है, वो हार्डवर्क ज़्यादा कर रहा है, वो कुछ भी नहीं हार्डवर्क कर रहा, बस यही फ़र्क है। सो टाइम को चैनलाइज करो, एनर्जी को चैनलाइज करो, फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो। अच्छे टीचर्स, अच्छे एडुकेटर्स आप लोगों के पास है ऑनलाइन, आज के टाइम में कोई कमी नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। सो यूज़ योर ब्रेन, चेक करो कौन अच्छा है, किसी से भी पढ़ो, ठीक है। टीचर कोई ख़राब नहीं होता दोस्त, टीचर सारे बढ़िया होते हैं, देखने का नज़रिया चाहिए बस, ठीक है। सो आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी मोटिवेशन मिली होगी, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ तो फिर जो टूटा हुआ है उसको जोड़ और खड़ा हो एक बार दोबारा से, एंड दिस टाइम यू विल स्टैंड टॉल माय फ्रेंड। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।